युवा कांग्रेस की चंबा जिला इकाई ने शनिवार केंद्र की मोदी सरकार के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के विरोध में रैली निकालकर जोरदार हल्ला बोला। लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस परिसर से सरकार विरोधी नारों के बीच आरंभ हुई रैली उपायुक्त कार्यालय के बाहर जाकर समाप्त हुई। रैली की अगुवाई जिला युवा कांग्रेस के प्रधान सुनाब सिंह पठानिया ने की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी प्रधान नीरज नैयर और युवा कांग्रेस के जिला महासचिव चंद्रमणि कुलेठी सहित काफी तादाद में युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। तदुपरांत उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। ज्ञापन में युवा कांग्रेस ने दो टूक शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का फैसला वापस न लिया गया तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, पत्रकार भाइयों का। मैं सुनाब सिंह पठानिया, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस चंबा। मेरे साथ में मौजूद हैं जिला चंबा के अध्यक्ष नीरज नैयर जी और तमाम जितने भी यहाँ पर मेरे साथ युवा साथी हैं, वो युवा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं। आज यहाँ पर हमने DC ऑफिस के बाहर जो है एकत्रित होकर एक ज्ञापन सौंपा है, जो कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के संबंध में है। और जो हमारा एजिटेशन है वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के संबंधित से साथ साथ उसको लेकर महंगाई, बेरोजगारी के लिए भी है। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार के साथ ये नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ पाइपलाइन को जो सरकार द्वारा पारित किया गया है बजट में, उसके संबंध में आज ये एजिटेशन हम लोगों ने, युवा कांग्रेस ने, और राष्ट्रीय स्तर पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसे डिसेंट्रलाइज कर प्रदेश स्तर में हमारे जो अध्यक्ष हैं निकम भंडारी जी, उनके नेतृत्व में किया जा रहा है, और उसे जिला स्तर पर आज हमने चंबा में किया है। अब इसे और डिसेंट्रलाइज कर हम इसे ब्लॉक स्तर पर भी करेंगे। हमने DC साहब से अनुरोध किया है कि जिस प्रकार के साथ इस पे पॉलिसी बनाई जा रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र एक या दो के जो पूंजीपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, टॉप एलीट बिजनेसमैन हैं, उनको बेनिफिट देने की जो पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है वो बहुत ही गलत है। और इस जो पॉलिसी है उसको और ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ताकि उसमें कोई भी उद्योगपति जो है, बिजनेसमैन है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो एंटर कर सके। क्योंकि पिछली बारी भी हमने ये बात देखी थी कि किस तरीके के साथ एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो पोर्ट्स हैं, उसका मुनाफा जो है सिर्फ केवल मात्र कुछ पूंजीपति हैं जो उनको पहुँचा है। आज इस आंदोलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार को बस यही बोलना चाहते हैं कि हमारे जो तमाम युवा कांग्रेस की टीम है, आपकी इस जो ये गलत पॉलिसी है उसके खिलाफ खड़े हैं, और आने वाले समय में हम जो है इससे भी ज़्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। दिव्य हिमाचल TV के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।